तो ये गंदम करीब आ गई है, ये खेतों में हम आ गए हैं और उधर कब्रिस्तान है वो आपको नजर आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों मैं हूँ श्रो साहब, जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल श्रो साहब वी लोग तो देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं खेतों की सैर करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं खेत देखने के लिए निकलता हूँ। उधर स्ट्रॉबेरी भी लगी होगी, गंदम भी लगी होगी, उसका मैं आपको ये देख लें। मैं अभी जा रहा हूँ कब्रिस्तान की तरफ, बढ़ रहा हूँ और ये बच्चे खेल रहे हैं और ये देख लें ये डेरा आ गया। कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये देख लो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। ये डेरे का व्यू है और ये सारे चारों तरफ देख लें। बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है इसमें, सैमसंग का अपना ही रिज़ल्ट है, बहुत खूबसूरती नज़र आ रही है। ये देख लो बच्चे खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये खेतों में हम आ गए हैं और उधर कब्रिस्तान है वो आपको नज़र आ रहा होगा, देख लें। और मैं उधर ही जा रहा हूँ कब्रिस्तान की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। तो ये गंदम करीब आ गई है, ये देख लो खेतों के करीब हम आ गए हैं, तो बहुत बड़ी सारी हो गई है गंदम, ये देख लें। गंदम का व्यू कितना अच्छा आ रहा है ये देख लो। अभी एक माह के करीब तकरीबन गंदम मार्केट में आ जाएगी। ये चारों तरफ खेते ही खेते हैं, तो ये देख लें ये व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये अलियान साहब जा रहा है, ये देख लो अलियान साहब इधर देखो, और ये शजेर साहब है। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ, ये गवर्नमेंट स्कूल आ गया है, ये गवर्नमेंट स्कूल है एलिमेंट्री। तो इधर कब्रिस्तान के करीब ही है, तो ये दरगाह भी करीब आ गई है और कब्रिस्तान भी दरगाह के अंदर ही है। और मैं इधर अपने वालदीन की कब्र पर दुआ खैर करूँगा। तो हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं कब्रिस्तान में, ये देख लें। ये देख लो तकरीबन हम पहुंच, तो ये देख लो ये व्यू है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये देख लो कब्रिस्तान में इंटर हो गए हम, दरगाह का नाम है बाबा सत्तर मुन्नी। तो ये अल्लाह के वली का दरबार है, ये देख लें हम पहुँच रहे हैं। तो पहुँच रहे हैं ये देख लें, ये मेरी वालदा की कब्र है सामने, और वो पीछे जो है ये मेरी वालद साहब की कब्र है। इधर हम खैर दुआएं करेंगे। Oh.
है कब्रिस्तान, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कब्रिस्तान है, खुला है, बड़ा कब्रिस्तान। पहुँच आए हैं, ये देख ले कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है आपको, ये देख लो, ये शैलर है चावलों वाला, तो बहुत ही ज़्यादा व्यू प्यारा नज़र आ रहा है। ये देख लें, ये स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है, ये देख लो। अंदर तो हम नहीं जा सकते, हम आपको करीब करके दिखा देते हैं। ये देख ले, कुछ इसमें दाने लाल हो गए हैं, कुछ हरे भरे हैं, तो ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है आपको। ये देख लो, पीछे आबादी है, आगे खेत हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। तो वो देख लें, उधर उन लोगों ने कमरा बनाया हुआ है इधर रहने के लिए, इधर राखी के लिए। ये इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरती नज़र आ रही है, ये देख लो, बहुत ही प्यारा दरख्त भी ये नज़र आ रहा है, घोंसला बना हुआ ऊपर, दरख्त सूखा हुआ है सारा, तो घोंसला ऊपर बनाया हुआ, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। तो यही वो जगह है जहाँ पर मैंने फर्स्ट वीलॉग बनाया था, ये देख लो, बहुत प्यारा व्यू इधर नज़र मुझे आ रहा है। शायद आपको पसंद आए या ना आए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नज़र आ रहा है। ये देख लो भाईजान, ये बेरी है, और इधर मैंने फर्स्ट व्लॉग, बैंगन इधर लगे हुए थे, तो इधर मैंने फ़र्स्ट व्लॉग अपना शूट किया था, तो वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं थी कि मैं क्या बोलूँ, क्या इसमें गुफ्तगू करूँ, तो बहुत परेशान था कि वीडियो किस तरह से बनाऊँ। तो अभी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस मेरा बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं एक्सपीरियंस अपना बढ़ाऊँगा और वीडियो शूट करता रहूँगा, और इंशाल्लाह तजर्बा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी मेरी वीडियो, और इधर मटर लगे हुए हैं, ये देख लें खेतों में, ये मटर लगे हुए हैं, तो इसमें सरों भी लगी हुई है जिसका तेल भी बनता है। तो आगे बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू नज़र आ रहा, मैं काफ़ी दिनों के बाद खेतों में आया हूँ, तो इधर दरगाह पर मैंने दुआ भी की है शहर से, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ बाहर खेतों में आकर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये स्ट्रॉबेरी इधर करें, ये भी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये ना करो, ये स्ट्रॉबेरी लगी है, तो ये स्ट्रॉबेरी एक ही मालिक की स्ट्रॉबेरी है। ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ये देख लें कितनी पुरानी ये इधर मेरे ख्याल से कब्र बनी है, पुरानी कब्र है, तो ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना है। कहते हैं कि इधर कब्रिस्तान में पहले, इधर इस कब्रिस्तान की जगह पर पहले एक गांव बसता था, ठीक है, तो इधर फिर आस्ता आस्ता कब्रिस्तान बन गया है। तो ये पहले इधर कहते हैं कि गांव एक हुआ करता था, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी जगह है। तो ये हमारा कब्रिस्तान है, इधर ही मेरा वालदीन की कब्र है, तो यहाँ हम आते हैं अपने वालदीन की कब्र पर, तो या 3-4 एकड़ घर से दूर है कब्रिस्तान। तो ये खेत को पानी लगाया हुआ है इन लोगों ने, देख लें, तो सामने सूरज की रोशनी आ रही है। तो ये एक स्कूल है, आगे भी मैंने आपको दिखाया है, तो स्कूल भी बहुत ज़्यादा पुराना है, 40-50 साल पुराना है। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं वीडियो शूट करता रहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।